तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आ चुके हैं हमारे टेरेस गार्डन पे। आज डेट है 26 नवंबर, ठीक है। आज एक प्लांट में मैं काम करने जा रही हूँ, वो है जूही का प्लांट। और आज मैं कार्टून कोबरी की जैसे बाहर से देती हूँ, फिर मैं बाहर एक प्लांट है मेरा जूही का प्लांट, उस पर काम करूँगी। ये देखो, इसे मैंने अभी बाहर निकाल के रख दिया। क्या काम करूँगी, कैसी केयर करनी चाहिए जूही के प्लांट पे, जिससे जैस्मिन भी बोलते हैं। तो क्या काम, फुल वीडियो आज इसी पर होगी, तो ठीक है, बने रहना वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि क्या करना है। सबसे पहले देते हैं गार्डन का ओवरव्यू, बाहर से, अंदर नहीं जाऊंगी आज मैं। इस तरह से रहता है टेरेस गार्डन, ये बाहर का एरिया है, इधर मेरा कंपोस्ट बनता रहता है और ये मेरे बाहर का एरिया आपको दिखाई दे रहा है ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। आज मैंने निकाला है ये जूही का प्लांट, अभी इसके बारे में बताऊंगी अभी डिटेल। तो मेरे को लगा जूही के पौधे पे, प्लांट पे, बुश पे, ये वैसे बेल बोलते हैं इसको, उस पर काम कर लिया जाए। ये देखो, रात रानी के उसमें ना फूल खिल रहे हैं, देखो दिख रहे हैं, खिलना स्टार्ट हो गया, मतलब इसमें छोटी छोटी सी बर्ड्स आने लगी, सभी में आ रही है। ये देखो रात रानी में मेरे इसमें साल में दो बार ब्लूमिंग होती है अच्छे से। ये देखो पिटूनिया में, ये देखो फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो गई, देखो पर्पल कलर का फ्लावर खिल रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। बाकी पिटूनियाज बहुत सारे ग्रो कर रखे हैं, इनमें भी ग्रो कर रखे हैं पिटूनियाज, इस बार बहुत सारे ग्रो होंगे। जब फुल फ्लावरिंग पाएंगे ना, तो ऐसा लगता है कि पूरा गार्डन है ना पिटूनिया से ही भर जाएगा। विंटर का बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है पिटूनिया, सीड के थ्रू, कटिंग के थ्रू आप ग्रो कर सकते हो। अब सीड के थ्रू ग्रो करने का सीज़न अब चला गया, क्योंकि अभी नवंबर लास्ट हो गया। अगर आप चाहें तो उसे कटिंग के थ्रू ग्रो कर सकते हैं, कटिंग के थ्रू लगाने के बाद भी अच्छे से उसमें फ्लावरिंग हो जाती है, ठीक है। मैंने अक्टूबर मैं इसको क्या बोलते हैं सीड के थ्रू ग्रो किया था, जो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर गए हैं अभी ये पिटूनियाज। ये देखो मैरीगोल्ड खिल के अब स्पैंड में होने लगे। अब अंदर नहीं जा रही हूँ, अंदर का वीडियो आपको नहीं दिखा रही हूँ, नहीं तो फिर लंबा वीडियो बन जाएगा, फिर दूसरा काम नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से हो जाता है टेरेस गार्डन, रोजेज़ वगैरह सब अच्छे से खिल रहे हैं। अंदर इस तरफ जाओगे ना, ये रोजेज़ का देखो कितने अच्छे से खिल रहे हैं, ये इधर भी। स्पैंड जो रोजेज रहते हैं ना, जो ख़राब हो जाते हैं, उनको हटा देना चाहिए, हटाएंगे उसको अभी। चलो ठीक है, ये भी रहता है इस तरीके से। ये वाला सेक्शन हो जाता है इंडोर सेक्शन, यहाँ से अंदर से अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये देखो, यहाँ से रहता है हमारा ये इंडोर सेक्शन, अंदर का पूरा ही, ठीक है। मैं रोज़ अंदर का भी कवर करती हूँ, आज नहीं कर रही हूँ इसका अंदर का कवर कुछ भी पार्ट, बस यहाँ से जहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है वहाँ से थोड़ा बहुत आपको दिखा देते हैं ऐसे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं जूही के बारे में काम। देखो ये है जूही का प्लांट, जिसे जैस्मिन भी बोलते हैं, और इसमें फुल ब्लूमिंग हो रही है। तो मुझे लगा अब इसकी केयर कर ली जाए, थोड़ा सा इसमें काम कर लिया जाए। तो सबसे पहले तो ये 20 इंच के प्लांटर में है, ये देखो आपको दिखाई दे रहा है 20 इंच का प्लांटर, इसमें से इसको मैं पूरा निकाल दूंगी, ठीक है। और फिर इसका पॉटिंग चेंज करूंगी, क्योंकि अब ये रूट बाउंड हो चुका है। आपको दिखाऊँ, देखो इसकी सारी रूट्स है ना इस तरीके से ऊपर आ गई है, कि देखो ऐसे इसकी जड़ें हालांकि ऊपर तक आ गई है इस तरीके से यहाँ, ठीक है। तो इसलिए इसका पॉटिंग मिक्स चेंज करना ज़रूरी है। इसको अभी तक नहीं किया एक भी बार, 2 साल हो गए इसको लगाए हुए, 2 साल में इसको मैंने काफ़ी प्रून कर दिया है। प्रून करने के बाद में इसमें हमेशा अच्छी फ्लावरिंग होती है, बडिंग देखो हर उसमें कितने अच्छे से हो रही है, ठीक है। तो अब इसे मैं इस पॉट से निकालती हूँ। इसमें ना काफ़ी तुलसी जी के पौधे भी उगे हुए हैं, ये देखो वो दिखाई दे रहे हैं, ये देखो ऊपर तुलसी जी का पौधा। ये जैस्मिन का भी सीज़न है, अभी चल रहा है नवंबर, अच्छी फ्लावरिंग होती है इसमें पूरा विंटर सीज़न में, ठीक है। ये देखो रेनी सीज़न में भी इसमें काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग हुई, और अभी नवंबर में भी अच्छे से हो रही है। तो मुझे लगा इस पर काम कर लिया जाए, ये तुलसी जी के पौधे निकाल दूंगी और किसी में लगा लेंगे बाद में ये। चलो ठीक है, काम करते हैं इस पर। इसको खींच के निकालना पड़ेगा पूरे पौधे को मेरे को इसमें से, और ये कटिंग के थ्रू भी लग जाता है। अगर आप लगाना चाहें इसे कटिंग के थ्रू, तो ये कटिंग के थ्रू भी ईजिली ग्रो कर जाता है। एक तरह की बुश होती है, वैसे इसको वाइन बोलते हैं। ये वाइन की तरह बढ़ती तो नहीं है, ऊपर की तरफ क्लाइम नहीं करती बेल की तरह, मगर ये बुश ऐसा घनी घनी हो जाती है। तो मुझे इसको है ना बांध के रखना पड़ता है, ये देखो इस तरीके से बांध के रखती हूँ, और ज़्यादा इसको फैले नहीं इसीलिए। चलो ठीक है, इसको इस पौधे में से, प्लांटर में से निकाल लेते हैं। इसको मैं यहाँ से खाली करूँगी, धीरे धीरे से यहाँ से इसकी मिट्टी को लूज़ करूँगी टूल से, उसके बाद फिर इसको खींच के निकालूंगी, तो ये प्रॉपर तरीके से निकल जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं इसकी मिट्टी को लूज़ कर रही हूँ ऐसे साइड से। इसमें से देखो ये तुलसी जी वगैरह ना, इनको मैं लगा लूँगी अलग से, ये और भी तुलसी जी यहाँ से निकलेंगे ना, ये देखो ऐसे, ठीक है। इनको तो मैं लगा लूँगी बाद में, इनको अभी यहाँ रख देते हैं, ठीक है। और भी निकलेंगे इसमें से, और इस तरीके से पूरी मिट्टी को पहले मैं लूज़ करूँगी, और ऐसे ही देखो लूज़ करने के बाद क्या होता है, ये ईजिली निकल जाते हैं। ये प्लांटर नहीं, प्लांट्स ही देखो। मैं इसको खींच लूंगी ना तो आराम से निकल जाएगा ये। तो देखो इसकी रूट्स अंदर की तरफ ऐसे ना ये बंद गई है, मतलब पूरे प्लांटर के ये वाला एरिया है ना अच्छे से इसको ना चिप
पक गई है तो बहुत ही मुश्किल से ये खुलेगी, इतना इजी काम नहीं है। ये देखो इसमें से कुछ एक रूट्स वगैरह टूट भी जाएंगे, इसकी कोई टेंशन नहीं है, मगर रूट्स रूट बॉन्ड होने के बाद क्या होता है, ये पूरा अंदर ही अंदर ये जो इसका अर्थ है ना, इससे रूट्स चिपक जाती है और एक गोल घेरा बनाती रहती है, बनाती रहती है, बनाती रहती है। तो क्या होता है फिर इसको निकालने में बहुत दिक्कत होती है। अभी इतने अच्छे से जम चुकी है कि खिंच भी नहीं रहा इसको। ठीक है देखते हैं इसको और निकालने की कोशिश करते हैं, जैसे तैसे निकलेगा ये। देखो इसको मैंने पूरी तरह से निकाल दिया है। अब इसकी रूट बॉन्ड कितने से वैसे हुआ है, मैंने इसमें ना एक है ना इसके होल में से नीचे से कील भी घुसाई थी कि पीछे की तरफ से इसकी मिट्टी को पुश करूंगी तो निकल जाएगा, मगर एक कील इस होल के अंदर घुस गई, यहाँ से इसमें ऐसे घुसाई कि शायद मिट्टी लूज हो, मगर वो कील ही घुस गई। अब वो कह रहा है ये सारा है ना अभी कीला हो रखा है ये मिट्टी, तो ये इसीलिए चिपक रही थी इस गमले से और बुरी तरह। ठीक है इसमें इसकी डिज़ाइन भी बन गई। अब मैं क्या कर रही हूँ, कोशिश ये कर रही हूँ कि इसको ना थोड़ा बहुत खोल दूँ और इसकी जड़ें प्रून करूँगी मैं। ठीक है ये सारा इस तरीके से खोल के ऐसे खोल देते हैं इसको आधा आधा और इसका पूरा पॉट मिक्स चेंज करेंगे और नीचे मैं कुछ लगाऊंगी इसके गमले में, वो जरूर से आप देखना कि मैं क्या बड़े गमलों के नीचे कैसे क्या पॉटिंग मिक्स बनाते हूँ। तो चलो ठीक है इतना इतना पार्ट मैं इसका हटा दूंगी, काट दूंगी, फिर इस पौधे को लगाएंगे। तो देखो मैंने कितना काम कर लिया अभी आपको बताते हैं। मैंने ये पूरा इसका रूट बॉल निकाल दिया, इसकी पॉटिंग मिक्स यहाँ रख दिया। ठीक है ये देखो इस तरीके से वो दिखाई दे रहा है पूरा, और इसकी जो डायबैक मतलब जो ये ख़राब हो जाती है ना इस तरीके से, इसी में से नई नई शूट्स भी आ जाती हैं। तो ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है कि हमारा ख़राब हो जाएगा, इन्हीं में से नई नई शूट्स भी निकलती हैं। ठीक है कुछ एक ऐसा है, ये देखो ये आपको दिखाएं, ये बिल्कुल स्टेम सूख गई, यहाँ से देखो इसमें से नई नई शूट्स निकल रही है। तो इस तरीके से ये वापस से ग्रो कर जाती है, जैसे गुलाब में डायबैक हो जाता है ना, डायबैक मतलब ये पत्तियाँ सूख जाती हैं, यहाँ से स्टेम सूख जाती है तो नई ग्रोथ नहीं होती है, मगर इसमें ऐसा नहीं होता, नई ग्रोथ इसी में से होती है, इन शूट्स में से। ये देखो सूखी हुई डालियों में से, ठीक है तो इन्हें हमें नहीं निकालना चाहिए। और कुछ एक पत्तियाँ अभी ख़राब है, वो बाद में प्रून वगैरह कर देंगे। अभी तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको लिया है वापस अगेन, और ये टाइम इसके लिए अच्छा है। इसको जूही के प्लांट को क्या चाहिए होता है, या तो आप ऑटम सीजन में करो या स्प्रिंग सीजन में करो, ये दो सीजन इसके लिए सबसे बेस्ट रहते हैं या इसके फेवरेबल रहते हैं। ये देखो कितने अच्छे से, अब इसमें आप ये सोचो इसको रिपोर्ट नहीं किया था, इसकी ऐसी बेकार कंडीशन थी तो भी इसमें इतने अच्छे से ब्लूमिंग हो रही है, तो मैं इसको अच्छे से इसके पॉटिंग मिक्स तैयार कर दूँगी तो कितना अच्छे से इसमें होगी ब्लूमिंग। ठीक है तो इस बात का आपको ध्यान रखना, अगर आपका जूही का प्लांट इस तरीके से खराब हो रहा है ना तो आप भी ये काम कर सकते हो, अगर रूट बॉन्ड हो रहा है इस सीज़न में। ठीक है अब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ अभी आपको बताऊँगी, कुछ ऐसी चीज़ लाती हूँ जो इसके नीचे एक इंच की लेयर बिछाऊँगी, वो क्या है अभी आपको बताते हैं। तो देखो मैंने इसमें एक दो इंच की लेयर ये गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट की बना देती हूँ नीचे नीचे, जितना भी मेरा किचन वेस्ट होता है गार्डन वेस्ट होता है, ऐसे बड़े प्लांटर्स में मैं दो दो इंच की या कम से कम दो इंच की लेयर इस तरीके से ही सारे बना देती हूँ। देखो आपको दिखाई दे रहा है ये सारा, ठीक है अब इसके ऊपर हमारा पॉटिंग मिक्स डालेंगे, ये पॉटिंग मिक्स में यही डालूंगी, बस इसमें मैं डाल दूंगी 50% मेरा काउडंग का रेशो। ठीक है जैसे ये पॉटिंग मिक्स है इसके अंदर सेम इतने ही रेशो का काउडंग केक डाल देंगे, काउडंग केक बस ये होना चाहिए, पुराना होना चाहिए। तो लाते हैं काउडंग केक हमारा, देखो इसमें मैंने डाल दिया काउडंग केक। अब काउडंग केक का मैं बारीक वाला जो होता है ना वो तो जो छोटे छोटे प्लांटर में यूज़ में लेती हूँ, और ये जो बड़ा बड़ा होता है ना इसको मैं बड़े प्लांटर में यूज़ में ले लेती हूँ सर। या तो मैं इसको क्या करती हूँ, लिक्विड फर्टिलाइजर इसका पौधों में डालने के बाद में उसको अच्छे से क्रश करके यूज़ में लेती हूँ, नहीं होता है, और अगर मुझे कोई पौधा लगाना ही होता है तो मैं क्या करती हूँ जस्ट ये टुकड़े लिए इसमें डाल दिए, ये क्या पानी के साथ साथ गलते रहते हैं और पौधे को फ़ायदा करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इतने बड़े बड़े टुकड़े हमने डाले हैं अपने पौधे को कोई नुकसान होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इनको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, कुछ नहीं करूँगी, इसको उठा के ऐसे उल्टा कर लूँगी और फिर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो इसमें क्या होगा, काउडंग केक सबसे अच्छा बेस्ट फर्टिलाइजर आपके प्लांट्स के लिए, आप कुछ में डालो, सिर्फ अगर 50% आप गार्डन सॉइल और 50% इसका भी रेशो रखोगे तो भी आपके प्लांट्स के लिए सफिशियंट है। नमस्ते अंकल जी, तो भी आपके प्लांट्स के लिए सफिशिएंट है। तो ये काउडंग केक, ठीक है बस ये 1.5-2 साल पुराना होना चाहिए। अब इसको मैं अच्छे से कर लेती हूँ मिक्स। मिक्स हमेशा ऐसे करते हैं, ऐसे वो उसको पलट लेंगे और फिर अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। तो काउडंग केक में सारे ही न्यूट्रिशंस होते हैं और वो बहुत इजीली मिल भी जाता है। जैसे सभी के घर में दूध वाले आते हैं तो दूध वाले भैया जहाँ जिसके घर में जो आता है आप उनसे ले सकते हैं, मंगवा सकते हैं, आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। थोड़े बहुत आपको पैसे देने
होते हैं जो आप दे सकते हैं। तो बस इस तरह से काउडंग केक और ये मेरे जितना भी इसका पोर्शन है ना, अगर मेरी मिट्टी का न्यूट्रिशन खत्म हुआ होगा ना तो ये काउडंग केक से पूरा वापस भर जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से इसको मैं अच्छे से मिला लेती हूँ इस तरीके से। चलो ठीक है, मिलते हैं इसको अच्छे से मिलाने के बाद में, और फिर हम गमले में वापस भरेंगे जैसे कि हमारा चमेली का प्लांट वापस से अच्छे से ग्रोथ करे। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं इसको मिलाने के बाद में। सब इसे मैं भर देती हूँ उसमें। और होता क्या है, जब हम इस तरीके से अपने प्लांट की प्रूनिंग करते हैं, अच्छे से जड़ों की प्रूनिंग करते हैं, जैसे आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये अच्छे से ग्रोथ करने लगते हैं और अच्छे से। ठीक है, तो आपको हमेशा अपने प्लांट को कम से कम 2-3 साल में तो एक बार रिपोर्ट कर ही लेना चाहिए। तो मेरे प्लांट को ऑलमोस्ट 2 साल से ऊपर हो गया, तो मुझे लगा आज रिपोर्ट कर लेते हैं। और ये जो डाला है ना यहाँ, ये डीप कंपोस्ट होता रहेगा और आपके पौधे और अच्छे से ग्रोथ करेंगे। ठीक है, मेरे सारे ही प्लांटर्स में, जितने भी बड़े बड़े प्लांटर्स होते हैं ना, इन सब में मैं ऐसे ही करती हूँ। छोटे में खैर नहीं करती हूँ, करती हूँ मगर कम कम रेशियो लेती हूँ। मगर सारे ही जितने भी बड़े बड़े प्लांटर्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं ना, इनमें नीचे नीचे में लेयर ऐसे ही गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट की बनाती हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, काम करते हैं, मिलते हैं मिट्टी इसमें भरने के बाद में। तो ये ऑलमोस्ट आधा भर गया। ठीक है, अब इसको उठाते हैं रूट बॉल को, और जस्ट इसको ऐसे कैसे उठा के इसमें आई रे रख देते हैं। ठीक है, अब इसको स्टैंड करने के लिए कुछ चाहिए होगा यार, ये इस तरीके से स्टैंड कर जाए ना। देखो कोशिश करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट रखूंगी ना, ये ऊपर से लाके ना थोड़ा सा पता ऐसे लटक जाती है। तो आपको इसको या तो धागे का सपोर्ट, देखो ये धागा दिख रहा है, इस सपोर्ट से मैं इसको बांध देती हूँ उस पर पिलर पे। ठीक है, तो अब इसमें मैं मिट्टी भर देती हूँ बाकी की। तो देखो इस तरीके से मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया है, दिख रहा है आपको ऐसे। अब इसमें मैं अच्छे से डाल दूंगी पानी और फिर मिलते हैं, फिर कुछ एक बात है आपके साथ मैं शेयर करेंगे। एक बार बकेट से इसमें पानी भर देते हैं पूरा, और सपोर्ट दिया है मैंने इसको इस तरीके से, ये इसका एक पाइप रखा हुआ था उसका सपोर्ट दे दिया, तो ये इस तरीके से। और पूरी धूप चाहिए इसे, फुल दिन की धूप। ठीक है, पानी देके फिर बात करते हैं। तो बस इस तरीके से मैंने इसे रिपोर्ट कर दिया है और अच्छे से पानी दे दिया है, ड्रेनेज से बाहर निकल रहा है। इसको शावरिंग करना पसंद है, इसको शावर कर सकते हो आप, कुछ नहीं होता, इसकी पत्तियां ख़राब नहीं होती है। और फुल धूप में आप जितनी इसे धूप में रख पाओ ना, जितने देर की धूप इसे मिले उतनी काफ़ी होती है इसके लिए। ठीक है, सुबह से मैंने इसको ऐसी जगह रख रखा है, यहाँ रखूँगी बाहर अभी, ये देखो यहाँ इस तरफ से, और एरिया देखो कैसा है, यहाँ पूरे दिन भर की अच्छी बढ़िया धूप आती है। तो इस तरीके से जूही का प्लांट आपके पास में हो तो उसे आप वो कर सकते हो, इस सीज़न में आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो। उसमें बहुत अच्छे से खुशबू आती है, देखो इसके पीछे पिंक वाला पार्ट है ना, ये देखो इसके ये ऐसे पर्पल पर्पल सा, तो इस वाले में जिसके पीछे भी ऐसा पर्पल पर्पल सा हो ना, उसमें बहुत अच्छे से खुशबू भी आती है। ठीक है, और बहुत अच्छे से ब्लूम करते हैं बंचेस में। आप इसको प्रोन भी करते रहोगे ना, पहले मैंने क्या किया था, नीचे नीचे का काट दिया था और फिर इसको ऊपर ऊपर की तरफ ग्रोथ करी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। अब देखो काटेंगे अभी, मगर अभी क्या इसकी प्रूनिंग करनी है, मगर एक बार ये सारा फ्लावरिंग वगैरह खत्म हो जाए ना, उसके बाद मैं इसकी करूँगी प्रूनिंग। और फर्टिलाइज़र में वही सिर्फ काउडंग केक का फर्टिलाइज़र 15 दिन में दोगे वो भी काफ़ी है। अगर आपके पास नीम खली है तो वो भी दे सकती हो, अगर आप काउडंग केक का नहीं देना चाहते हो तो वर्मी कंपोस्ट का फर्टिलाइज़र 15 डेज की गैप में दे दो, बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, ऑटम सीजन और में ऑटम सीजन और स्प्रिंग सीजन इसका सीज़न होता है, कटिंग के थ्रू ईजीली ग्रो हो जाता है। बस ठीक है, और तो क्या, बस ठीक है। बस इसी के साथ इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आई होप कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो फ्रेंड्स आपको पता है कि क्या करना है। ओके बाय। चाहते एक ज़रूरी बात मैं आपसे कहना भूल गई कि जब भी आप किसी भी प्लांट को रिपोर्ट करो ना, भले वो विंटर में करो या समर में करो, कभी भी उसको आप शेडी एरिया में रखो। ठीक है, आज बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बादल बादल हो रहे हैं, धूप बिल्कुल भी नहीं आ रही, तो आज ये इसके लिए मौसम एकदम परफेक्ट है। अगर मैं इसे धूप में रिपोर्ट करती, गर्मी में रिपोर्ट करती है, दिन में रिपोर्ट करती, इसलिए मैंने मॉर्निंग में इसे रिपोर्ट कर दिया, 6 बजे में आई थी और ये पूरा रिपोर्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसके बाद की मतलब ये जितना स्ट्रेस में जाएगा, जितना भी स्ट्रेस में जाएगा वो मतलब ठीक हो जाएगा। इसलिए जब भी आप किसी भी प्लांट को रिपोर्ट करो, उसको कभी भी धूप में ना रखो, इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। बस यही बात आपके साथ शेयर करनी थी।